भी थीटा का फलन है, वाई भी थीटा का फलन है। अब आपको ए सिद्ध करना है कि वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी डी एक्स वाई प्लस वाई बराबर जीरो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं। एक्स बराबर क्या है, ए कॉस थीटा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, प्लस बी साइन थीटा। इसका थीटा के रिस्पेक्ट में करिए तो क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ऋण कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। और ये मान किसका है, देखो वाई का, ऋण वाई डिवाइड, समय भी लिख सकते थे आप। अब उसका करते वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। आइए देखिए ये कॉस थीटा प्लस एक्स। अब आप आइए डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका सूत्र जानते हैं, वाई का थीटा के सापेक्ष, अब अपान एक्स का थीटा के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपान माइनस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। थोड़ा दिमाग लगाएंगे फिर वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स, क्या इधर बुला लीजिए, y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स बराबर जीरो। चूंकि आपको सेकेंड डेरिवेटिव के पदों में देखिए यहाँ निकालना द्वितीय अवकलन है, तो अब देखिए फिर से करते हैं इसका, तो क्या होगा, देखिए पहला फलन y डी डी एक्स ऑफ वाई का होगा डी टू आई डी एक्स टू प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई और यक्स का हो जाएगा एक। थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब वाई का गुणा करेंगे तो कुछ से ये हो जाएगा, वाई का गुणा कर देते हैं सब में, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बाहर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई। अब कैसे पता चला कि वाई का ही गुणा करना है, हमको यहाँ दिख रहा है वाई स्क्वायर तो मैंने वाई का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए वाई डी डी एक्स ऑफ वाई का मान डी डी एक्स वैल्यू रख दीजिए, हो गया वाई स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू डी डी एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बराबर जीरो। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार फिर से करते हैं। एक्स बराबर दिया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी, ऋण कॉमन ले लेंगे ऋण वाई हो जाएगा। फिर वाई बराबर इसका करेंगे तो एक्स हो जाएगा, डिवाइड किए तो ऋण एक्स बटे वाई, तो त्रिया गुणा कर दिया गया। अब इसका एक्स के सापेक्ष पुनः करेंगे वाई डी डी एक्स ऑफ वाई का डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई वाई का फिर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वन। अब दिमाग लगाइए यहाँ वाई स्क्वायर लाना है तो वाई का गुणा कर दिए वाई स्क्वायर, यहाँ वाई यहाँ वाई वाई डी डी एक्स ऑफ वाई का मान क्या है, समीकरण एक से रेडियक्स रेडियक्स रख दिया।